जय श्री राम। नमस्कार प्रिय साथियों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्योतिष केदार चैनल पर। आज का हमारा विषय है वृश्चिक राशि फलादेश। मार्च मास में क्या फलादेश आपको प्राप्त होगा जानेंगे। इस मास में धन प्राप्ति, नौकरी इत्यादि, व्यापार कैसा रहेगा, विद्यार्थी वर्ग को विद्या क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, विवाह प्रेम इत्यादि के बारे में जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस प्रकार ग्रह और राशि परिवर्तन होता है उसी प्रकार हमें हमारे जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रिय साथियों, दैनिक पंचांग जानेंगे। आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। 8 मार्च के बाद अष्टम स्थान में गोचर करेगा, उनके अनुसार आपको क्या फल प्राप्त होगा जानेंगे। प्रिय साथियों, आपकी राशि का स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, जिसके फलस्वरूप आपको इस मास में शरीर कष्ट होने का योग बनेगा। खान पान का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपको गुप्त रोग हो सकता है। आपकी आय कम होगी, खर्चा अधिक रहेगा, किसी निकट मित्र के साथ मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अधिक मेहनत करने के पश्चात आपको गुजारे योग्य धन प्राप्त होगा, आपकी आय चलाई अच्छी चलती रहेगी। अस्माक विशिष्ट जनों से आपके संपर्क बनेंगे, वाहन इत्यादि पर आपका खर्च होगा। आपके ब्याह भाव में केतु के कारण धन खर्च का योग बनेगा। फालतू इस मास में आय के साधन बनते रहेंगे। आपकी राशि पर कुछ ग्रहों की दृष्टि होने के कारण इस मास में आप में गुस्सा अधिक करेगा, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आप कार्य को बिगाड़ सकते हैं। इस मास में जमीन, वाहन, मकान इत्यादि में आपका परिवर्तन हो सकता है, उसमें लेन देन इत्यादि हो सकता है। प्रिय साथियों, बात करते हैं पैसा धन इत्यादि आने की। वृश्चिक राशि वालों, इस मास में पैसा आने का योग है, परंतु अधिक संघर्ष के पश्चात ही आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वह भी यदि आपके कुंडली में सूर्य ग्रह इत्यादि शुभ स्थिति में, तो सूर्य की कृपा से आपको धन धान्य प्राप्त होने का योग है, अन्यथा नहीं। आपको इस मास में संघर्षपूर्ण स्थितियों के पश्चात ही धन प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, इस मास में आपका व्यापार मध्यम रहेगा, धन का लाभ होगा, परंतु खर्चा भी अधिक रहेगा। लेन देन का देखकर करें। इस मास में दिया हुआ पैसा उधार आपका वापस आने का योग नहीं बन रहा है। इस मास में आपका पैसा फंस सकता है। व्यापार में आप लेन देन अच्छे तरीके के साथ करें। व्यापार में इस मास में थोड़ा सा आपको 15 तक मंदी देखने को मिल सकती है, उसके बाद आपको धन धान्य का लाभ प्राप्त होगा। मेहनत के द्वारा यहाँ पर लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आपके कुंडली में सूर्य ग्रह शुभ स्थिति में, तो इस मास में आपको धन प्राप्त होगा, आपके गुजारे योग्य आपको धन प्राप्त होता रहेगा। प्लीज साथियों, बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग की। वृश्चिक राशि वालों, आपके पंचम भाव में गुरु ग्रह स्वराशिगत गोचर कर रहा है, जिसके फलस्वरूप आपको अति उत्तम विद्या प्राप्ति के योग बने। यह मास में आप अच्छी विद्या प्राप्त करेंगे, जो आपको सफल अंक है उसको प्राप्त करेंगे। इस मास में आपका टेस्ट आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा, आपका कैरियर आपको बनता हुआ नजर आएगा। परंतु प्रिय साथियों, कुछ ग्रहों की आपकी राशि में दृष्टि होने के कारण आप में गुस्सा रहेगा। गुस्से पर आप नियंत्रण रखें, मन को फोकस करें, आप विद्या क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। इस मास में आप नौकरी इत्यादि टेस्ट के लिए जो तैयारी करें, उसमें आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रिय साथियों, मेहनत करें, मेहनत के द्वारा आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, आपका कैरियर आपको बनता हुआ नजर आएगा। साथ में यहाँ पर आपको विदेश यात्रा इत्यादि के शुभ संकेत प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप विदेश इत्यादि जाना चाहते हो विद्या के क्षेत्र के लिए, तो आपको उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं विवाह इत्यादि प्रेम सुख की। इस मास में आपको विवाह इत्यादि सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि पर गुरु ग्रह की पूर्ण दृष्टि रहने से आपको प्रेम सुख एवं विवाह इत्यादि सुख प्राप्त हो सकता है। परंतु आपके सप्तम भाव का स्वामी षष्ठम भाव में जाने के कारण विवाह सुख में कमी करेगा, जिसके कारण आपके धर्मपत्नी के साथ भी आपके मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो अनमेरिड है उनको विवाह सुख में कमी हो सकती है। प्लीज साथियों, अंत में उपाय जाने जिसको करने से आपको कारोबार क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, नौकरी प्राप्ति इत्यादि क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, धन प्राप्ति में आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, आपको शरीर स्वस्थ रहेगा। सबसे पहले तो आपको आपकी राशि मंगल के संबंधित वस्तुएं दान करनी चाहिए। मंगलवार के दिन गुड़ और कनक दान करें। हनुमान जी का लेप करना आपके लिए अति उत्तम है, ऐसे करने से आपका भाग्य चमकेगा और आपके भाग्य भी आपका पूर्ण साथ देगा। गौशाला में शुक्रवार के दिन आटे का दान करना आपके लिए अति उत्तम है। ये उपाय आपकी किस्मत बदल कर रख देंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, आपका समय शुभ है।